आज से करीब 19 साल पहले 25 मई 2005 को इंडिया पर एक गाड़ी लॉन्च हुई थी मारुति कंपनी की तरफ से, जिसका नाम था स्विफ्ट। लेकिन उस गाड़ी को देखते ही इंडियन कंज्यूमर की तरफ से एक ही आवाज आई, ये क्या है? और देखते ही देखते उस गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जब इस गाड़ी ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया तो सबका दिलों में ये अपनी जगह बनाई और अभी तक कुल 0.5 मिलियन सेल कर चुका है ये गाड़ी, और इसकी ऑलरेडी 3 जेनरेशन इंडिया पर अभी तक लॉन्च हो चुकी है। तो देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट जेनरेशन, ये सेकंड जेनरेशन, ये थर्ड जेनरेशन और अपकमिंग 4th जेनरेशन न्यू स्विफ्ट 2024। तो आज मैं आप सभी को इस गाड़ी का ऊपर में डिटेल्स ओवरऑल वीडियो देना चाहता हूँ, तो दिल थाम के देखिए दोस्तों। थैंक यू। ये गाड़ी आपको मारुति की एडास सिस्टम से लेस मिल सकती है दोस्तों। इसका ये हनीकम ग्रिल आप देख सकते हैं कितना सुंदर और परफेक्ट डिजाइन का है, काफ़ी अच्छा है। न्यू एट्रैक्टिव DRL लाइट्स के साथ में आपको मिलते हैं, फॉग लाइट आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी का, और ये सिल्वर कोटिंग स्किड प्लेट आप देख सकते हैं इसका कितना सुंदर और रोचक बनाया है। काफ़ी खूबसूरत लुक देने की कोशिश की गई है इस गाड़ी को। एक्चुअली इफ़ आई एम नॉट ए रॉन्ग, इट्स ए इंडियन वर्सन ऑफ मिनी कूपर दोस्तों। जापान की तरह इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm दिया जाए तो इसको एक मैं ड्रॉबैक मान लूँगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। ये ORBA माउंटेड कैमरा आप देख सकते हैं, रेयर प्रोफाइल इज वेरी ब्यूटीफुल दोस्तों एंड एट्रैक्टिव। बूट स्पेस आपको 268 लीटर्स का मिल जाता है। इंजन की प्रोफाइल का बात करूँ तो ये ऑलरेडी जापान में लॉन्च हो चुका है, जिसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन के साथ में ये गाड़ी 3 सिलेंडर के साथ में लॉन्च हुआ है। लेकिन इंडिया में ये जेड सीरीज का इंजन के साथ में लॉन्च किया जाएगा, जिसका 3 सिलेंडर होगा और 100 bhp का पावर, 24-25 kmpl का माइलेज देगा, जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT का ट्रांसमिशन के साथ में हो सकता है। अभी चलते हैं इसके केबिन का प्रोफाइल की ओर। बलेनो और फ्रांस की तरह इस गाड़ी का भी आपको हुडसअप मीडिया प्लेयर देखने को मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ये सारी सुविधाओं से लेस ये गाड़ी आपको काफ़ी हद तक स्पेसिफिकेशन से भरपूर मिल सकती है। टिल्ट टू शिफ्ट स्टीयरिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और बैक प्रोफाइल का काम बात करूँ तो इसका आपको नॉर्मल लेग रूम मिल सकता है 2023 स्विफ्ट की तरह। तो चलते हैं अभी फिलहाल इसके मेन फीचर्स की ओर। 360 कैमरा, EPB इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में ये गाड़ी मिल सकती है। सेफ्टी के मामले में आपको 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड और प्लस EBD और प्लस ABS के साथ में मिल सकती है। एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको सेप्टेम्बर और अक्टूबर मंथ में मिलना शुरू हो जाएगा, करीबन 6 लाख से शुरू होकर 10 लाख का प्राइस टैग का अंदर में। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ भी क्वारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।